Hey guys, what is up? और दोस्तों आज हमारे पास एक लग्जरी स्मार्ट वॉच है, एक तरह से बजट लग्जरी स्मार्ट वॉच है और ये है Firebolt की तरफ से और इसका नाम है Firebolt Phoenix Ultra। अब Phoenix यहाँ पर बहुत टाइम पहले लॉन्च हुई थी, काफ़ी पॉपुलर स्मार्ट वॉच है, वैसे अंडर 2000 रुपीज़ में आपको यहाँ पर कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर Firebolt ने उसका एक अपग्रेडेड यानी कि एक मेटल जो एडिशन यहाँ पर लॉन्च किया है और इसका भी प्राइस यहाँ पर उन्होंने 2000 रुपये रखा है। और 2000 रुपये में वैसे आपको बहुत ही कम ऐसी स्मार्ट वॉचेस मिलती हैं जो आपको मेटल स्टार्स वगैरह के साथ मिलती है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर मेटल स्टार्स मिले। तो कैसी ये वॉच है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वॉच को भी मैं यहाँ पर कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले देख सकते हो इसके जो बॉक्सेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मेरे पास यहाँ पर दो कलर हैं, एक यहाँ पर ब्लैक है और एक यहाँ पर ये गोल्ड कलर है, रोज गोल्ड बोल सकते हो इसको। और ब्लैक वाली को जैसे बताया कुछ दिनों से मैं यहाँ पर पहन रहा हूँ, तो देख सकते हो इसकी जो लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो रोज गोल्ड वाली है इसको यहाँ पर अनबॉक्स कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल नेम वैसे गोल्ड SS है, पता नहीं SS का क्या मतलब है, लेकिन इसके बॉक्स पे देख सकते हो इसके कुछ फीचर्स वगैरह। तो 1.39 इंच का आपको यहाँ पर सर्कुलर डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पर ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। उसके अलावा मेटल यहाँ पर बॉडी आपको मिलती है, हार्ट रेट SpO2, यहाँ पर 123 स्पोर्ट्स मोड है और उसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग, IP67 की रेटिंग है। पीछे भी यहाँ पर जो कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं तो पढ़ सकते हो। तो ये इसका बॉक्स है, आप जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर जो वॉच का मॉड्यूल है वो यहाँ पर अलग मिलता है, क्योंकि इस वॉच में आपको यहाँ पर जो दो स्ट्रैप्स आपको मिलते हैं हर वॉच के साथ, तो एक यहाँ पर आपको जो मेटल स्ट्रैप्स मिलता है वो ये रहा और उसके अलावा एक सिलिकॉन स्ट्रैप्स भी है। और ये जो कलर है मुझे लगता है कि फीमेल्स को ज़्यादा यहाँ पर पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं वो पिंक कलर के हैं। बाकी जो ब्लैक वाली वॉच है उसके साथ कुछ इस तरह से आपको मेटल स्ट्रैप्स मिलते हैं और जो ब्लैक कलर का आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है, तो अगर आप मेल हो तो ब्लैक वाली यहाँ पर मुझे लगता है आपको पसंद आएगी और फीमेल हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर ये जो गोल्ड या फिर जो पिंक वाली यहाँ पर पसंद आएगी। और उसके बाद बॉक्स में यहाँ पर इसकी एक चार्जिंग केबल है और ये एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है पोको कनेक्टर पिन वाली। और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो यूज़र मैनुअल है और यहाँ कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान और वारंटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में, लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो जैसा था इसका जो मॉड्यूल है वो अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको इसके जो बॉक्स से मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इसके ऊपर यहाँ एक स्टिकर लगा है तो उसको हटा देते हैं। और यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलता है 1.39 इंच का सर्कुलर डिस्प्ले, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसके जो मेटल स्ट्रैप्स हैं उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो मेटल स्ट्रैप्स हैं वो यहाँ पर गोल्ड टाइप के हैं, तो बॉक्स में ऐसे कुछ पिन्स हैं और यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं, तो जल्दी से मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ इसमें। तो स्ट्रैप जो है हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया और देख सकते हो स्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद इस वॉच की जो लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर इस वॉच का जो डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, वो यहाँ पर पूरी आपको मेटल मिलती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम सी लगती है वैसे ये वॉच। लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रैप्स हैं वो यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रैप्स हैं, तो इसको अपने साइज़ के हिसाब से आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे बताया था मैं ब्लैक वाली ऑलरेडी कुछ दिनों से पहनकर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी जो लुक रहती है ना वो कुछ इस तरह से रहती है। और भाई ये मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी दिखने वाली स्मार्ट वॉचेज़ हैं। बाकी इस वॉच के ओवरव्यू की बात करें तो जैसे था यहाँ पर 1.39 इंच का आपको यहाँ पर सर्कुलर डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो फंक्शन बटन है पीछे की तरफ, इसके हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं और ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो आपको स्पीकर और माइक्रोफोन यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना है, द फिट। काफ़ी इजी प्रोसेस है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके ऐप में देख सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर के बारे में। तो सबसे पहले इस वॉच का जो डिस्प्ले जैसे बताया 1.39 इंच का सर्कुलर डिस्प्ले है और डिस्प्ले जैसा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है। और अगर आप नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पर थोड़े से मोटे से बेजल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी लुक ना काफ़ी हद तक जैसे पिक्सल वॉच रहती है ना वैसे ही कुछ है इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन यहाँ पर ठीक ठाक है, अराउंड 240x240 पिक्सल की रेजोल्यूशन है और 500 निट्स की ब्राइटनेस है, तो इंडोर आउटडोर में यहाँ पर आपको इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ना यहाँ पर ये 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो UI में बोलूँगा कि यहाँ पर जैसा आप देखोगे ना बहुत ही यहाँ पर बटर स्मूथ सा है। लेकिन अगर मैं इसके UI की बात करूं तो इसका जो डिफॉल्ट वॉच फेस है कुछ इस तरह से, इसको चेंज करना है तो उसकी स्क्रीन को होल्ड करके आप यहां पर बहुत सारे जो इनबिल्ट आपको वॉच फेसेस मिलते हैं उनमें से चूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला वॉच फेस लगाएंगे तो देखोगे कि यहां पर जो बेजल्स वगैरह वो काफ़ी मोटे हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई ब्लैक कलर का जो वॉच फेस लगाते हो तो यहाँ पर जो बेजल्स हैं एक तरह से यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे ये वाला वॉच फेस सर्कुलर डिस्प्ले के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाती है। उसके अलावा होम स्क्रीन पर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कोई टॉगल बटन है जहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस है यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो शॉर्टकट मेन्यू है जहाँ पर आपके जो एक्टिविटी वाले ऑप्शन दिख जाएंगे, तो कितने आपके स्टेप्स काउंट हैं और लास्ट नाइट की स्लीप आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कितनी देर आपने वर्कआउट किया, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्वाइप करोगे तो ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग के फीचर हैं, डायल पैड, कॉन्टैक्ट्स, और कॉन्टैक्ट आप इसके ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो। डायल पैड में जाकर कोई नंबर वगैरह डायल करना हो तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर पाओगे। और यहाँ पर आपको कॉलिंग करने के बाद कुछ ऑप्शंस रहते हैं,
जैसे यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसे कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ, उसको हम आगे चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर म्यूट कर सकते हो और ये जो कॉल है अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर फ़ोन से वॉइस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और कॉल काट सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो AI वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ के ऑप्शंस हैं जैसे SPO2 और हार्ट रेट, तो इसको मैं पहनूंगा तो चेक करेंगे। उसके अलावा वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, तो करंट एरिया का वेदर है और नेक्स्ट यहाँ पर 7 डेज़ का जो फोरकास्ट आपको दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर शटर कंट्रोल का ऑप्शन है, प्लेयर का ऑप्शन है तो म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, ब्रीथ का ऑप्शन भी आपको दिया है योगा वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेन्यू एक्सेस करने के लिए होम स्क्रीन पर अगर आपको लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिया हुआ है और ये एक रोटेटिंग डायल टाइप का है। मगर आपको ये मेन्यू चेंज करना है तो सेटिंग में जाना है और यहाँ पर नीचे मेन्यू व्यू है और यहाँ पर आप ग्रिड स्टाइल और लिस्ट स्टाइल में इसको चूज कर सकते हो। तो अब जो मेन्यू रहेगा जैसा आप देख सकते हो वो कुछ इस तरह से हो गया, तो इसी तरह से रखते हैं ताकि मेरे लिए भी आसान रहेगा आपको बताना। तो सबसे पहले स्टेप स्लीप फोन का ऑप्शन है, AI वॉइस असिस्टेंट हार्ट रेट ट्रेनिंग का ऑप्शन है और इसमें आपको यहाँ पर 130 के करीब आपको जो स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और यहाँ पर स्वाइप करके सबसे नीचे जाकर आप यहाँ पर प्लस के मेनू टैप करके और भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर SPO2 वेदर के ऑप्शन है, शटर कंट्रोल, प्लेयर, ब्रीथ का ऑप्शन है, इनबिल्ट गेम भी आपको यहाँ पर मिल रही है, तो यंग बर्ड और 2048 तो कुछ गेम्स हैं टाइम पास करने के लिए। सेटिंग में जाएंगे तो स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, मेन्यू व्यू, ब्राइटनेस, फोन, कॉल रीसेट, वाइब्रेशन, थिएटर रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट, QR कोड का ऑप्शन है। तो ये तो बात हुई Firebolt Phoenix Ultra के फीचर्स के बारे में। फीचर्स वाइज में बोलूँगा यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे फीचर हैं, सिर्फ एक फीचर मुझे मिसिंग लगा और वो यहाँ पर है कैलकुलेटर, वो होता तो थोड़ा सा बेटर रहता, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे फीचर हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इनबिल्ट गेम भी मिल रही है टाइम पास कर रहा हूँ तो। लेकिन अब जल्दी से इस वॉच को मैं पहन लेता हूँ, इसका हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर और कॉलिंग का जो फीचर मिलता है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो वॉच पहनने के लिए जैसे यहाँ पर आप देखा था कि यहाँ पर आपको मेटल स्ट्रैप मिलता है और एक मैग्नेटिक स्ट्रैप है, तो ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है और मैग्नेट बोलूँगा कि यहाँ पर भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर ये वॉच जाने वाली नहीं है। और उसके अलावा ये जो वॉच है दिखने में काफ़ी प्रीमियम सी है, तो इन हैंड लुक काफ़ी बढ़िया है इसकी, काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट भी है इवन दो ये मेटल बिल्ड क्वालिटी है, तो ओवरऑल दिखने में काफ़ी सही वॉच है। लेकिन अब जल्दी से इसका जो हार्ट रेट सेंसर SPO2 सेंसर उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हार्ट रेट है उसको मेजर करूँगा, तो हार्ट पे यहाँ पर टैप कर देते हैं और इसको यहाँ पर ऑक्सीमीटर से कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज रीडिंग्स रहती हैं। तो ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है 85 बीट पर मिनट और अभी यहाँ पर जो वॉच है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है 84 बीट पर मिनट, तो देख सकते हो काफ़ी क्लोज सी यहाँ पर रीडिंग्स हैं। उसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर जो SPO2 का फीचर भी मिलता है और उसको भी यहाँ पर टैप कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर के साथ यहाँ पर जो कितनी यहाँ पर क्लोज रीडिंग्स रहेंगी। वैसे जो ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है 96% और यहाँ पर वॉच है वो भी यहाँ पर मेजर करी और वो दिखा रहा है यहाँ पर 97%, तो क्लोज से यहाँ पर रीडिंग्स हैं। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेज है भाई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करो तो सिर्फ आईडी लेने के लिए यूज़ करना। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको जो वेयर डिटेक्शन वाला फीचर भी मिलता है इस वॉच में, तो अगर आपने ये जो वॉच है नहीं पहना है ना तो यहाँ पर एक एरर शो कर देता है, देख सकते हो यहाँ पर एक एरर आ गया है। और उसके अलावा यहाँ पर इसको टेबल पर भी रख के चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और टेबल पर रखने के बाद भी यहाँ पर एक एरर शो कर देता है, तो बिना पहने यहाँ पर ये जो रीडिंग शो नहीं करती है वॉच। बाकी नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, तो यहाँ पर ये जो वॉच है इस टाइम पर रिंग कर रही है, तो यहाँ पर आप कॉल काट सकते हो, उठा सकते हो या फिर वॉल्यूम है उसे यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है उसको फुल कर देते हैं क्योंकि मैंने इसको कम कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी जैसे कुछ ऑप्शंस हैं वो हमने देखे हैं तो काट देते हैं इसे। उसके बाद SMS नोटिफिकेशंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से रहती है और यहाँ पर आपको इमोजी का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और ना ही क्विक रिप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद इस वॉच में आपको यहाँ पर हिंदी फॉन्ट्स का सपोर्ट है लेकिन वो थोड़ा सा आपको इस तरह से कटाफटा सा देखने को मिलता है। बाकी ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग वाला फीचर भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर डायल करूंगा और उसके स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसे मैं आपको सुनाता हूँ कि वो कितना लाउड है। और जैसा यहाँ पर आप सुन सकते हो कि स्पीकर का जो वॉल्यूम है बहुत ही अच्छा खासा लाउड है, मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि मैं खुद ही बोल नहीं पा रहा इसके जो स्पीकर के वॉल्यूम के आगे। तो स्पीकर का वॉल्यूम काफ़ी लाउड है, इंडोर हो आउटडोर हो काफ़ी शोर वाले एनवायरनमेंट में हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर माइक की क्वालिटी की बात करूं तो वो मैं बोलूंगा कि भाई वो भी बहुत बढ़िया है। तो अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर Firebolt Phoenix Ultra के माइक्रोफोन से और जैसा आप सुन सकते हो जो इसका माइक है वो काफी सही है, काफी क्लिस्टर क्लियर आपको साउंड सुनाई को मिलती है और मैंने इस पर कुछ कॉल दी थी सामने वाले को किसी तरह से सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो ओवरऑल दोस्तों ये है Firebolt Phoenix Ultra और ये जो वॉच है भाई 2000 रुपए के अंडर में आती है और 2000 रुपए में फीचर्स काफी सही है, कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, कॉलिंग का फीचर काफी बढ़िया है और यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो आपको यहाँ पर मेटल स्ट्रैप्स के साथ यहाँ पर ये जो वॉच आती है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। तो अगर आपको एक लग्जरी दिखने वाली स्मार्ट वॉच चाहिए मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ
और कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए तो डेफिनेटली आप इस वॉच को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये जो वॉच है इसे खरीदना होगा तो इस वीडियो में यहाँ पर व्यू पटा बटन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर यूट्यूब शॉप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऐड कर दिया है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये वॉच फायरबोल्ट फीनिक्स अल्ट्रा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।